नाउ स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके लिए कुछ नया नहीं है. यस, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, दैट इज इन द स्टैंडर्ड 8, हमने ऑलरेडी ये टॉपिक को स्टडी किया है. चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स, सेम टॉपिक है ना स्टूडेंट. 8th में भी था और 9th में है और आपको 10th में भी होगा. ओके, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसमें क्या रहेगा, जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड सीखा है उसका जस्ट एक रिकॉल रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे न्यू कुछ हम सीखेंगे. अगेन 10th में ऐसा ही रहेगा, अभी हमने जो सीखा है आज 9th स्टैंडर्ड में उसका रिकॉल रहेगा और थोड़ा आगे और पॉइंट्स रहेंगे. ओके स्टूडेंट, सो इट इज वेरी सिंपल टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग है. सी अगर आपने मेरा 8th का वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने वहां पे स्टार्ट में ही आपको बताया था कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स है क्या. नाम से तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, व्हाट आर द टर्म्स इन द स्टैटिस्टिक्स, क्या करना होगा. नो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स इज ओनली रिलेटेड टू, यस इट इज रिलेटेड टू द डेटा. डेटा अभी आपको नया टर्म है, डेटा हो गया 8th में. व्हाट इज डेटा, यस डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन समझ में आता है ना, यस इंफॉर्मेशन. लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो होता है स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइम या मोस्टली इन द न्यूमरिक फॉर्म. न्यूमरिक मीन्स यस नंबर के फॉर्म में होता है, नंबर होते हैं डेटा के. तो दैट्स व्हाई, तो उसका ही जो भी कुछ हम करते हैं डेटा पर, इंफॉर्मेशन पे, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द न्यूमरिक फॉर्म. सी, तो पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, देन उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज द डेटा. डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना मीन्स प्रॉपर अरेंज करना, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और कैसे हमारा डेटा है उसके हिसाब से उसको अलग अलग ठीक से करना. क्योंकि सिर्फ कलेक्शन करके रखेंगे तो इट इज ऑफ नॉट यूज, नो यूज, कुछ समझ में भी नहीं आएगा. उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको क्लासिफाइड करना, देन उस पर हम क्या करेंगे, एनालाइज करना. एनालाइज करना मीन्स यस डिटेल में उस पर स्टडी करेंगे. एंड उस पर हम क्या करेंगे, उस जो हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, एनालाइज किया है, उसको एक फॉर्म देंगे, एक उसको किसी उसको इंटरप्रेट करेंगे. इंटरप्रेट करना मीन्स उसको किसी फॉर्म में लेके आएंगे. वेदर हम उसको ला सकते हैं इधर इन द डायग्रामेटिक फॉर्म, डायग्राम बना सकते हैं, या इन द टेबल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं जिसको, और इन द ग्राफ फॉर्म. हम जो डेटा हमारे पास जो है, जिसको हमने एनालाइज किया है, उसको एनी वन ऑफ द फॉर्म में इंटरप्रेट करेंगे. और सिर्फ इंटरप्रेट नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और जो अरेंज किया है उस पर से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इस डेटा में क्या है, इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है. ये हम क्या करेंगे, एट द एंड कंक्लूजन निकालेंगे. सो ऑल दीज स्टेप्स, बेसिक 4 स्टेप, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग एंड कंक्लूजन आर द 4 मेन डिफरेंट स्टेप्स, एंड टुगेदर इट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स. इस सबको मिला के क्या होता है, इट इज, ये सब कहां होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है. सो स्टैटिस्टिक्स इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें डेटा को कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, क्लासिफाइड करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. सो ऑल दीज स्टेप्स आर डन इन स्टैटिस्टिक्स. ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया ब्रीफ में व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, और ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है. सी स्टूडेंट, वन आपको यहां पे स्टूडेंट लास्ट ईयर का स्टार्ट में थोड़ा सा रिकॉल है, पहले हम वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सी स्टैटिस्टिक्स, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, इट इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेम है मैथमेटिशियन का, उन्हें कहते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब उन्होंने मेन ये स्टैटिस्टिक्स को उस पर एनालिस को फॉर्म किया था, कि स्टैटिस्टिक्स एक अलग उन्होंने ब्रांच बनाई थी. सो दैट्स व्हाई दे आर, उनको बताते हैं, ही इज कॉल्ड, यस ही वॉज कॉल्ड
फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन में चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स हम क्या स्टडी करने वाले हैं, लेट स्टडी। क्या स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट सब डिवाइडेड बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार ग्राफ, यू कैन कॉल और यू कैन से ग्राफ और यू कैन से डायग्राम। सब डिवाइडेड, यस इट इज डन एंड वी ऑल सीन द एक्सरसाइज हाउ टू ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, हमने सब देखा है। नाउ अगेन यस, सब डिवाइडेड बार ग्राफ की एक स्पेशल टाइप होती है, यस दैट इज परसेंटेज बार ग्राफ। इट इज नथिंग बट सब डिवाइडेड बट स्पेशल टाइप ऑफ सब डिवाइडेड, यस इन विच ऑल रेक्टेंगल बार्स आर ऑफ इक्वल हाइट दैट इज 100, इट इज कॉल्ड परसेंटेज बार ग्राफ, क्योंकि परसेंटेज हम 100 में से निकलते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमको थोड़ा सीखना है स्टूडेंट, व्हाट इज, मैंने जैसे आपको बताया आपको डेटा, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, तो व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसे कहेंगे और सेकेंडरी डेटा किसे कहेंगे, ये हम इसमें स्टडी करने वाले। सी फर्स्ट टू सब डिवाइडेड बार ग्राफ एंड परसेंटेज बार ग्राफ वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, सी जस्ट उसका हमको यहाँ पे रिकॉल करना है, एक बार इसको सिर्फ हमको रिवाइज करना है। ओके नाउ अब यहाँ पे हम जो नया सीखेंगे स्टूडेंट, यस इट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा एंड नेक्स्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमें देखना है ग्रुप एज वेल एज अनग्रुप्ड। सी हमने देखा था लास्ट टाइम भी जब हम मीन फाइंड किए थे, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था सिंगल सिंगल नंबर का लेकर, यस उसको बोलते हैं अनग्रुप, और अगर उसको ग्रुपिंग करेंगे वो आगे है उसको बोलेंगे ग्रुप एंड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं एंड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे फॉर्म होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम भी यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसे कैसे फाइंड करते हैं, CF जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। एंड लास्ट इस टॉपिक में हम देखना है यस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो तीन है मीन मीडियन मोड। मीन हम ऑलरेडी लास्ट स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, बस आपको थोड़ा आगे देखना है मीन एंड देन मीडियन एंड मोड। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द सॉरी टर्म्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, व्हाट सब डिवाइडेड बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ, देन व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बट टू टाइप्स ग्रुप एंड अनग्रुप। उसके बाद हम देखेंगे यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF एंड नेक्स्ट यस दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि तीन है, यस मीन मीडियन मोड। ओके स्टूडेंट, ये हमको इस टॉपिक में स्टडी करना है, वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ यस फर्स्ट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ओके और सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यू कैन से डायग्राम और ग्राफ। ओके स्टूडेंट सी एज इट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 108, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 108। सी स्टूडेंट लेट्स रिकॉल, रिकॉल मीन्स याद करेंगे कि पहले क्या हुआ था, ठीक है एट्थ स्टैंडर्ड में हमने क्या किया था या सेवंथ में क्या किया था पहले सबका। इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स वी हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ सिंपल बार ग्राफ एंड जॉइंट बार ग्राफ, सिखा था ना हमने, सी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, यस स्टूडेंट ग्राफ है ना फर्स्ट, यस दिस इज एक्स एक्सिस, याद आ रहा है ना, यस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट एंड हियर हम प्रॉपर स्केल लेते हैं 10 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट एंड ऑन एक्स एक्सिस
जो भी क्वांटिटी रहेंगे, सपोज डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड एट्थ, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, डी डिवीजन, है ना, इस तरह से। और अगर आपको इंफॉर्मेशन लिखना है, सी सिंपल में लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ए में कितने हैं, अगर टोटल 60 स्टूडेंट है तो हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट, ए डिवीजन 60 स्टूडेंट, बी डिवीजन, यस सपोज देर आर ओनली 50 स्टूडेंट, इस तरह से सपोज यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30, यस ग्राफ, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल बार ग्राफ। सिर्फ यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार निकालते हैं, रेक्टेंगुलर बार निकालते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये बार मीन्स इंफॉर्मेशन के 60 इन डिवीजन ए। सी तो ये था सिंपल बार ग्राफ। इस पर बाद में हमने ये देखा था स्टूडेंट, यस जॉइंट बार ग्राफ, जॉइंट मतलब एक के साथ दो अटैच होते हैं, जॉइंट ऐसे, यस स्टूडेंट, बीच में कुछ नहीं होता है, जॉइंट। सपोज अब ये होगा स्टूडेंट अलग अलग डिवीजन ए में, सी दिस ब्लू रेक्टेंगल इज फॉर बॉयज एंड द ब्लैक रेक्टेंगल इज फॉर गर्ल्स, और यस याद आ रहा है अभी, यस ये शेडेड जो पोर्शन है इट रिप्रेजेंट गर्ल्स एंड जो ब्लैंक पोर्शन है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज, सो इट इज कॉल्ड एज जॉइंट बार ग्राफ। एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग हम लिखते थे बीच में ज्वाइन करके, मतलब इसी के बारे में डिस्कस, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है ऑफ डिवीजन ए, इन ए डिवीजन देर आर 50 बॉयज, सपोज 50 बॉयज एंड 20 और 30 के बीच में 25 गर्ल्स, इन डिवीजन बी देर इज 50 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, इन सी डिवीजन 40 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, इन डी डिवीजन देर इज 35 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, मतलब रफ मैंने आइडिया लिया आपके। सो सच टाइप ऑफ बार ग्राफ इज कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड जॉइंट बार ग्राफ, इट इज कॉल्ड जॉइंट बार ग्राफ, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। ये हमने सेवेंथ में सीखा था सिंपल बार और यस जॉइंट बार ग्राफ। नाउ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर दैट इज इन 8th स्टैंडर्ड जॉइंट बार ग्राफ, जैसे ही एक हमने देखा था कि एक ही बार में हम अगर डिवाइड करेंगे लाइक दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड सपोज दीज आर द रेक्टेंगुलर बार्स, डिफरेंट बार्स, एंड सपोज इफ वी गिव द इंफॉर्मेशन इन सेम, उसके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, एक ही ग्राफ में हम अगर डिवाइड करेंगे ऐसे, यस दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस एंड दिस, तो एक ही रेक्टेंगल में इन वन रेक्टेंगुलर बार वी हैव डिवाइड इट इनटू वन शेडेड पोर्शन एंड अनशेडेड पोर्शन, एक ही ग्राफ को एक ही बार को हमने दो में डिवाइड किया, यू कैन डिवाइड बाय मेन, मतलब सपोज यहाँ पे मैंने टू में किया है, आप थ्री में डिवाइड कर सकते हो, फोर में डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन, एक ही चीज के बारे में आप अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज विच टाइप ऑफ बार ग्राफ स्टूडेंट, यस इट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ, विच टाइप, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, सब डिवाइडेड मीन्स एक ही को हमने डिवाइड किया है, तो इट इज कॉल्ड एज सब डिवाइडेड बार ग्राफ, याद आ रहा है ना, यस। और ऐसी ही रहती है लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स, जो भी रेक्टेंगल्स रहेंगे एक ही हाइट पे होंगे, दैट इज 100 100 100,
ऑल द रेक्टेंगुलर बार्स आर ऑफ सेम हाइट एट इक्वल हाइट एंड दैट इज 100 और 100 की हाइट पे होंगे, देन सच टाइप ऑफ बार ग्राफ इज कॉल्ड, यस स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड देन परसेंटेज बार ग्राफ. इट इज सब डिवाइडेड. बट अगर ऐसे होगा, सपोज ये 100 है, सो ऑल रेक्टेंगल एट 100, एक भी छोटा बड़ा नहीं होगा स्टूडेंट, ऑल 100, सो इट इज परसेंटेज बार ग्राफ. ओके, अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि स्केल कैसे लेने है, कैसे एक्सिस ड्रॉ करना है, कैसे. सिर्फ आपको आइडिया, आप देखे मालूम बता सकते हो कि विच टाइप ऑफ बार ग्राफ इट इज. सपोज वन इज दिस, एंड नेक्स्ट वन इज ना स्टूडेंट. आई एम ड्रॉइंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑन द बोर्ड. मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ ड्रॉ किए, रफ, प्रॉपर स्केल वगैरह कुछ नहीं लिया है, एक रफ आपके आइडिया के लिए. ना स्टूडेंट, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस. मैंने तो लिखा है ऑलरेडी, यस इट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ. व्हाई? एक ही रेक्टेंगल बॉक्स में हम उसको डिवाइड करते हैं. ओके, एंड रेक्टेंगुलर इज ऑफ डिफरेंट हाइट, अलग अलग उसकी हाइट होगी, सो इट इज सब डिवाइडेड. दिस इज, एक को डिवाइड नहीं किए बल्कि इंफॉर्मेशन आजू बाजू लिखे, अटैच किए, तो इट इज कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड जॉइंट बार ग्राफ. इट इज कॉल्ड जॉइंट बार ग्राफ. हियर ओनली रेक्टेंगल, सो इट इज सिंपल बार ग्राफ. एंड सी इट इज ए लाइक सब डिवाइडेड, बट यहां पे ऑल रेक्टेंगल 100 पे हैं, यहां पे रेक्टेंगल 100 पे नहीं है, सो इट इज सब डिवाइडेड, इट इज परसेंटेज, इट इज जॉइंट एंड इट इज सिंपल. ऑल 4 टाइप्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. ओके स्टूडेंट, बस उसको अभी यहां पे आपको रिकॉल करना है. अंडरस्टूड? 4 डिफरेंट टाइप्स, यस. नाउ अब हम जो आपके यहां सॉल्व एग्जांपल है इन टेक्स्ट बुक, लेट सी ऑल दी, तो आपको वापस आइडिया आ जाएगी कि हमने लास्ट ईयर कैसे किया था. Now student, let's move to page number 108. See, you have given one graph. Yes, obviously, which type of graph? It is joint bar graph. Hai na? Aazu baazu mein rectangle. See student, this picture on your, in your textbook on page number 108. You have given which type of graph? Yes, it is joint bar graph. एक दूसरे से rectangle joint है. Now, question क्या है? A farmer has produced wheat and jowar in his field. तो information किसके बारे में student? One farmer है, किसान, उसने अपने field में 2 types के crops डाले हैं. One is wheat, गेहूं, and one is jowar, मतलब jowar, है ना? From the given diagram, answer the following question. आपको वो डायग्राम देखकर यस क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देना है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली इन 3 इयर्स.
तीन साल कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, बीच में गैप नहीं है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कम, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। मतलब फर्स्ट ईयर भी इंक्रीज, फर्स्ट ईयर जितना था सेकेंड ईयर उससे थोड़ा ज्यादा हुआ और थर्ड ईयर और ज्यादा हुआ। तो कंसिस्टेंटली तीन साल से कौन सी क्रॉप हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, विच क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली इन थ्री ईयर्स। सी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द ग्राफ, पहले हम ग्राफ को रीड करेंगे। वाई एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट, विच इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन वाई एक्सिस, यस इट इज गिवन प्रोडक्शन इन क्विंटल्स, क्विंटल्स में था ना, वन क्विंटल मीन्स 100 kg, तो वन क्विंटल के हिसाब से 100 kg मीन्स वन क्विंटल, तो ये नंबर ऑफ क्विंटल है 10 क्विंटल 20 30 40 50 ऐसे। और मुझे आपको बताया था मैंने स्केल 10 और 20 के बीच में 10 लाइन है, तो ईच लाइन कितने की स्टूडेंट, यस 1 की, और बीच का जो एग्जैक्टली लाइन होगी जो डिवाइड करेगा रेक्टेंगल को उसका हाफ होगा। तो नीचे 20 है, 10 है, ऊपर 20 है, तो बीच वाला नंबर 20 और 10 का हाफ, तो दोनों को पहले मिलाएंगे 20 और 10 30, 30 का हाफ 15। ऑब्वियसली समझ में आता है कि 10 और 20 में क्या रहेगा, बीच में 15। सिमिलरली 20 और 30 के बीच वाली लाइन 25, 30 और 40 के बीच वाली लाइन इन मिडल, यस इट इज रीच 35, है ना। सो स्टूडेंट, एंड ऑन एक्स एक्सिस इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, एक्स एक्सिस पे ईयर 2010, 2011 एंड 2012, थ्री इयर्स के बारे में है, प्रोडक्शन इन 2010, 11 एंड 12। सी रेक्टेंगल्स जो है, छोटे छोटे दो रेक्टेंगल्स है उसमें इंफॉर्मेशन है, जो ट्रायंगल शेप के है ना, स्मॉल ट्रायंगल, वो है जवार, और जो सर्कल वाले हैं दैट इज वीट। सी इंफॉर्मेशन कैसी है, जो टू रेक्टेंगल्स है ना ऐसे, यस द इंफॉर्मेशन जिसमें रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स हैं दैट इज ऑफ जवार, एंड जो सर्कल है यस वीट। सी जवार एंड वीट। नाउ अब समझ में आ गया, ग्राफ हमने रीड किया है, नाउ गिव द क्वेश्चन के आंसर, गिव द आंसर, विच क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली इन थ्री इयर्स, तीन इयर्स 2010, 11, 12, तीनों इयर्स में किस क्रॉप ने कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया, मतलब कम हुआ ही नहीं है, 10 के बाद 11 में ज्यादा हुआ है, 12 में और ज्यादा हुआ है, तो विच क्रॉप, जवार और वीट दो ही क्रॉप है यहाँ पे, तो आप बताओ इसका आंसर जवार आएगा वीट आएगा। नाउ सी स्टूडेंट, रेक्टेंगल ऑफ जवार जो है ना जिसमें ट्राइंगल है स्मॉल, सी 2010 में 10 क्विंटल था, 2011 में यस 15 क्विंटल हुआ, लेकिन 2012 में वापस कम हो गया, दैट इज 11 to 12 क्विंटल कम हो गया, हमें चाहिए कंसिस्टेंटली इंक्रीज बढ़ते ही रहना है, तो ऑब्वियसली विच ट्राइंगल मूव हो रहा है, यस वीट, सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज वीट, राइट इन यूर टेक्स्ट बुक आप लिखो वीट, तो फर्स्ट आंसर इज वीट। नाउ बाय हाउ मेनी क्विंटल्स द प्रोडक्शन ऑफ जवार हैज रिड्यूस इन 2012 एज कंपेयर टू 2011, अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि 2012 में जवार का जो क्विंटल था प्रोडक्शन वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है एज कंपेयर टू 2011, तो कितना डिफरेंस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ। सी फर्स्ट हम देखेंगे 2011 में कितना था, जवार मीन्स जिसमें छोटे से ट्राइंगल्स हैं, यस जवार का प्रोडक्शन कितना था स्टूडेंट, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट हम देखेंगे सेंटर लाइन, यस इट इज 15, ओके 15 पे था। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट का आंसर लिखा 15, नेक्स्ट थोड़ा सा वहां पे आपको परेशानी होगी क्योंकि स्टूडेंट ठीक से नहीं दिखा है वहां पे, इट इज ऑन 10, 11, 12 होगा स्टूडेंट, तो 2012 में 12 क्विंटल है
और 2011 में 15 क्विंटल है। तो पहले में 15 था, 2012 में क्या हो गया, 12 हो गया। 2011 में 15 क्विंटल और 2012 में 12 क्विंटल, तो कितना रिड्यूस हुआ स्टूडेंट, रिड्यूस कितना हुआ, 15 माइनस 12 यस 3, इट इज गिवन इन क्विंटल। सो द प्रोडक्शन ऑफ जवार इन, सी व्हाट इज क्वेश्चन, हाउ मेनी क्विंटल्स द प्रोडक्शन ऑफ जवार हैज रिड्यूस, द प्रोडक्शन ऑफ जवार हैज रिड्यूस इन 2012 एज कंपेयर टू 2011 इज हाउ मच, 3 क्विंटल। और सिंपली यू कैन राइट द प्रोडक्शन ऑफ जवार हैज रिड्यूस बाय 3 क्विंटल इन 2012 एज कंपेयर टू 2011। 2012 में कंपेयर करेंगे 11 से तो 3 का रिडक्शन हुआ है, 3 क्विंटल रिड्यूस हुआ है। ओके सी वहां पे एग्जैक्टली आपको नहीं दिख रहा, लेकिन समझ में आ रहा है कि 2011 में 15 पे है और 2012 में 12 पे है, तो 15 माइनस 12 3 क्विंटल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2010 एंड 2012, डिफरेंस कितना है 2010 और 2012 में व्हीट का प्रोडक्शन, व्हीट मींस सर्कल वाले रेक्टेंगल। तो फर्स्ट सी इन द 2010 हाउ मेनी क्विंटल्स, 30 क्विंटल्स 2010 में 30। नाउ 2012 देखना है आपको, इन 2012 इट इज यस स्टूडेंट 50 के नीचे 1, 2, 3 है, मीन्स दैट इज 47 है, ओनली 2 ना, उसके ऊपर 2 ही लॉन है, तो इट इज 48 क्विंटल। 2010 में 30 क्विंटल था, 2012 में 48 क्विंटल है, तो डिफरेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स, 48 माइनस 30 यस 18 क्विंटल्स का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, राइट यू 18 क्विंटल्स। ओके स्टूडेंट, तो आपको फर्स्ट समझ में आया ग्राफ रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स पे एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, स्मॉल रेक्टेंगल में किसकी इंफॉर्मेशन है, और ये होता है इंटरप्रिटेशन के बाद हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि क्वेश्चन के हम आंसर दे रहे हैं, मतलब हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि 2011 में कितना था, 12 में कितना हुआ, कंसिस्टेंटली किसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, विच क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, विच क्रॉप रिडक्शन हुआ, है ना, ये सब हम अकॉर्डिंग टू वो ग्राफ आंसर दे पा रहे हैं। नाउ फोर्थ वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द डायग्राम। सी आपको ये टेबल जो क्वेश्चन आपके बुक में है आपको वो कंप्लीट करना है यूजिंग डायग्राम, ग्राफ को देखकर। Now what is given? 1, 2, 3. Okay. Next. Year 3. 1, 2. And here 3. Okay student. So, first मैं आपको क्या information दी है? What is given? Yes, production in quintals year. Production in quintals and year 2010, 2011, 2011. And which wheat and jawar, here wheat, jawar
आपको लिखाना है टोटल। फिर आपको सिर्फ यहाँ पे डायग्राम, ऑलरेडी यू हैव गिवन द बॉक्स, आपको टेबल दिया है, आपको सिर्फ फिल करना है उसको। ओके नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हाट इज गिवन स्टूडेंट, डायरेक्ट 2012 में वीट है 48 जवार एंड टोटल, ऑब्वियसली टोटल कितना हुआ दोनों का 60। नाउ इट इज गिवन, ऑलरेडी गिवन, सो राइट इट विथ ब्लैक पेन। सी यू यूज ओनली, यस यू आर इधर ब्लैक और ब्लू, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आइडिया क्लियर करने के लिए आई यूज डिफरेंट कलर। नाउ स्टूडेंट फिल, 2010 वीट कितना है, जवार कितना है और हम टोटल निकालेंगे। इन 2010 कितना है स्टूडेंट वीट, वीट का रेक्टेंगल कहां पे टच हो रहा है, 30। यस तो इन 2010 वीट इज 30, जवार यस इट इज 10, सो टोटल हाउ मेनी क्विंटल, 30 और 10 यस 40, क्वाइट सिंपल। नाउ नेक्स्ट, इन 2011 सी स्टूडेंट द रेक्टेंगल इज बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच में यस 35। नेक्स्ट इट इज जवार, जवार इज यस इट इज बिटवीन 10 एंड 20 दैट इज 15, तो टोटल 30 प्लस 15, 35 प्लस 15, इसमें 5 मिला है 40 और 10 50, यस सिंपल। ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट, अब वो आ रहे हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सी स्टूडेंट इसी इंफॉर्मेशन को हमको पता है ना हाउ टू ड्रॉ सब डिवाइडेड, यस सब डिवाइडेड में तो हम क्या करते हैं पहले टोटल निकालते हैं फिर उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने ये टोटल क्यों फाइंड किया स्टूडेंट, सी इन जॉइंट बार ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ में हम टोटल नहीं फाइंड करते हैं, बट अगर आपको सब डिवाइडेड डायग्राम निकालनी है या परसेंटेज निकालनी है तो यू हैव टू फाइंड द टोटल, आपको टोटल पता होना बहुत जरूरी है। हम पहले टोटल निकालेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे, टोटल निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे। नाउ मूव टू पेज नंबर 109, टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन इन द गिवन डेटा वी ऑल्सो ड्रॉ अनदर टाइप ऑफ बार ग्राफ, यस अब इसको हम और एक बार ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं दिस इंफॉर्मेशन को, एंड दैट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ, यस यू यू आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सी स्टूडेंट ऑन पेज नंबर 109 सेम ऐसे ही किया उन्होंने, वाई एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन क्विंटल, वाई एक्स एक्सिस डिफरेंट ईयर 2010, 2011, 2012 और वीट के लिए अगेन सेम सर्कल और जवार के लिए यस। अब यहाँ पे पहले आजू बाजू नहीं निकाले हम, जैसे पहले टोटल निकालेंगे, टोटल कितना 2010 में 40, फिर 40 को डिवाइड करेंगे 2 में, 40 में अगर 30 निकालेंगे, सी कैसे ड्रॉ करते हैं आपको यहाँ पे दिया है, पहले टोटल 40 का रेक्टेंगल बनाएंगे, सपोज दिस इज द रेक्टेंगल ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 10 20 30 40 50 60। नाउ अगर मैंने पहले 2010 में 40 का डायग्राम रेक्टेंगल बनाया, इट इज इन द ईयर यस रफ 2010, नाउ अगेन टू रेक्टेंगल यस इट इज वीट यस जवार है ना स्टूडेंट, सी टोटल मैंने 40 है तो आप किसी एक का निकालो, वीट का निकालेंगे, वीट कितना है स्टूडेंट 30, तो 30 का आएगा यहां पे, तो उसको मैंने कौन सा सिंबल करना है सर्कल, और इसके लिए
आई यूज डिफरेंट कलर रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल यस तो रिमेनिंग जो 10 रहेगा वो क्या होगा जवार क्योंकि 30 टोटल 40 है अगर 30 वीट है तो रिमेनिंग जवार सिमिलरली यहाँ पे टोटल कितना है 50 तो पहले हम 50 बनाएंगे 2000 आई एम जस्ट ड्रॉइंग रफ डायग्राम एंड लास्ट है 60 सिर्फ आपके आइडिया के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं 2011 2012 अब इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट कितना है वीट एक निकालेंगे आप आपको दूसरा ऐसे ही मिलेगा 30 2011 में वीट निकाल रहे हैं हम 15 है सॉरी वीट क्या है पे 35 है तो 30 और 40 यहां पे आएगा 35 दिस इज वीट यस स्टूडेंट सो ये रिमेनिंग ट्राइंगल यस दे आर जवार और 2012 में टोटल 60 है उसमें से कितना है वीट 48 तो यहां पे आएगा 40 के ऊपर मीन्स 50 है टू लाइन नीचे यस दीज आर वीट एंड रिमेनिंग यस ट्राइंगल जवार सो इन दिस वे वी डिवाइड द इन्फॉर्मेशन इन सेम रेक्टेंगल एक ही रेक्टेंगल में हम डिवाइड कर सकते हैं ओके स्टूडेंट सो दिस इज जस्ट रिकॉल तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट यस टू ड्रॉ ए सब डिवाइडेड बार ग्राफ वी रिक्वायर टोटल हम टोटल फाइंड करेंगे क्योंकि हमें टोटल का ही रेक्टेंगल बनाना है फिर इसको डिवाइड करना है इज दैट क्लियर टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ इफ टोटल इज नॉट गिवन फर्स्ट फाइंड द टोटल ओके स्टूडेंट नाउ अब उन्होंने ऐसे ही बताया देन पर इसी पर से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट इसी टेबल को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम निकालेंगे परसेंटेज सी हाउ परसेंटेज कैसे निकालेंगे अगेन परसेंटेज के लिए आपको टोटल का रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोटल आपको चाहिए स्टूडेंट विदाउट टोटल वी कांट फाइंड परसेंटेज ओके सो सी नेक्स्ट अगर मैंने इसी में भी परसेंटेज मुझे करना है मैंने ऑलरेडी टोटल निकाला है स्टूडेंट ओके सो हियर परसेंटेज ऑफ वीट प्रोडक्शन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ जार प्रोडक्शन सी स्टूडेंट कैसे निकालते हैं परसेंटेज हमें वीट का निकालना है इन 2010 फर्स्ट 2010 में सी स्टूडेंट टोटल प्रोडक्शन यस टोटल प्रोडक्शन 40 उसमें से वीट का हमें निकालना है वीट कितना है स्टूडेंट 30 टोटल में से कितना है टोटल है 40 उसमें से 30 देन मल्टीप्लाई बाय 100 जो आंसर आएगा हमें परसेंटेज मिलेगा सो सी कैसे निकालते हैं आप परसेंटेज सपोज आपका जो सब्जेक्ट है आपके पूरे सब्जेक्ट जो भी आपके 5-6 सब्जेक्ट है उनकी टोटल होती है सपोज 500 उसमें से आपको मिले स्टूडेंट 450 टोटल में से निकालते ना टोटल था 500 का यू गॉट 450 मार्क्स मीन्स हाउ मेनी परसेंटेज यू गॉट आपको कितना परसेंटेज मिला यस तो टोटल में से जिसको आपको मिला है आउट ऑफ 500 यू गॉट 450 आपको मिला है 450 देन मल्टीप्लाई बाय 100 तो 30 कैंसल 5 1 5 9 0 एज इट इज दैट मीन्स 90% 500 में से 450 मिलना दैट मीन्स यू गॉट हाउ मेनी परसेंट यस 90%
इज दैट क्लियर? सो सिमिलरली टोटल प्रोडक्शन कितना स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नीचे करती हूँ 40, आउट ऑफ विच हाउ मेनी क्विंटल ऑफ वीट 30 मल्टीप्लाई बाय 100 जीरो जीरो कैंसल सी 4 और 100 सी 4 वन जा 4 4 टू जा 8 टू रिमेनिंग 4 फाइव जा 20 25 3 जा 25 आपको टेबल बहुत इजीली याद होना चाहिए स्टूडेंट लर्न होना चाहिए बहुत सिंपल टेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं क्योंकि 100 के जिस मल्टीप्लाई होके 100 आता है 25 4 जा 100 25 3 जा 75% सो परसेंटेज ऑफ वीट कितना आ गया 75 हमें पता है टोटल कितना होता है 100 तो कितना रहेगा स्टूडेंट 100 माइनस 75 हाउ मच यस 25% तो जवार का परसेंटेज 25 नेक्स्ट मूव हियर टोटल 50 आउट ऑफ विच वीट कितना है 35 मल्टीप्लाई बाय 100 डू कैलकुलेशन हियर 35 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100 सी स्टूडेंट 00 कैंसल 5 वन जा 5 टू जा 35 टू जा 35 का डबल 70 तो ये आ गया स्टूडेंट 70% तो ये कितना होगा 100 माइनस 70 यस 30% ना नेक्स्ट टोटल है 60 आउट ऑफ विच यस 48 मल्टीप्लाई बाय 100 1010 कैंसल 6 वन जा 6 6 7 जा 6 8 जा 48 ना 6 8 जा 48 तो 8 10 जा 80 सो इट इज 60 में से 48 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मींस 80% और ये कितना रहेगा स्टूडेंट यस इट इज 20% सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द परसेंटेज फिर उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे ईच टोटल कितना स्टूडेंट 100 हर एक को 100 लेंगे रेक्टेंगल और उसको डिवाइड करेंगे पहला रेक्टेंगल कैसे डिवाइड होगा 75 25 टोटल 100 देन 70 हाफ नीचे का 70 ऊपर का 30 टोटल कितना होता है 100 80 20 अगेन 100 इज दैट क्लियर स्टूडेंट सो फॉर ड्रॉइंग सब डिवाइडेड और बाय ड्रॉइंग टू ड्रॉ परसेंटेज टू ड्रॉ सब डिवाइडेड और टू ड्रॉ परसेंटेज बार ग्राफ वी रिक्वायर टोटल हमें किसकी जरूरत है टोटल विदाउट टोटल वी कांट ड्रॉ ओके स्टूडेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकेंगे ना ओके स्टूडेंट अगेन देर इज अ सॉल्व एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 110 तो यहाँ पे आपको समझ में आया स्टूडेंट मैंने सिर्फ ब्रीफ में शॉर्ट में आपको बताया कि हमने लास्ट ईयर कैसे ड्रॉ किया था कैसे फाइंड किया था आपको सिर्फ दो ही बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है स्टूडेंट टू ड्रॉ ए सब डिवाइडेड बार ग्राफ और टू ड्रॉ ए परसेंटेज बार ग्राफ वी रिक्वायर टोटल फर्स्ट ओके और व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज यस इन सब डिवाइडेड रेक्टेंगल मे बी ऑफ डिफरेंट हाइट अकॉर्डिंग टू डेटा वैसी उसकी हाइट होगी बट इन परसेंटेज हम परसेंटेज फाइंड करते हैं आउट ऑफ 100 100 को दो में डिवाइड करते हैं या जितना डेटा होगा उसमें डिवाइड करते हैं मीन्स 100 को ही डिवाइड करते हैं इन परसेंटेज सो इन परसेंटेज बार ग्राफ ईच रेक्टेंगल शुड बी एट 100 हाइट ऑल रेक्टेंगल्स की हाइट क्या होगी इक्वल होगी और कितनी होगी 100 इज दैट क्लियर स्टूडेंट यस नाउ वी विल सी प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 ओके